शत्रु जी बहुत अच्छे इंसान हैं, शत्रु जी मेरे साथ बहुत करीब है, मैंने दो फिल्में की उनके साथ। बीच में मैं बीजेपी कैंपेनिंग में एक हेलीकॉप्टर यहाँ से आता था शत्रु जी का, एक मेरा आता था, एक सुषमा स्वराज का आता था, आसाम में मिलते थे। आज जिस मुकाम पर वो हैं वो थोड़ा सा उनके कब्जे में नहीं है। आज शत्रुघ्न सिन्हा जी इज़ नॉट टोटली कम्फर्टेबल। अगर कम्फर्टेबल होते तो माफ़ करना, कभी भी नहीं कहते कि हमारी दीदी को प्राइम मिनिस्टर बनाओ। सर वो दीदी प्राइम मिनिस्टर बनने के लायक नहीं है, माफ़ करना, मैं बुरा लगेगा बंगालियों को, हम नहीं आने देगा, ये हमारा घर है, ये इस। अब उनको टिकट मिली है, वहाँ दो बार जीते हैं तो वो कहते हैं हमारी दीदी जो है वो सबसे बड़ी है। सर आप झूठ बोल रहे हैं। तो इनकी शादी का जो मसला है वो इनके घर का मसला है। इवन शत्रुजी ने बिगिनिंग में थोड़ा कहा था मैं मुझे तो पता नहीं, फिर एंड में आके बोले मैं अटेंड करने वाला हूँ, और फिर जो लोग बीच में बोलते हैं उनको मैं ये बोलूँगा खामोश, ये मेरे घर का मामला है। वो ठीक है, वो इज़ अ ग्रेट इंसान, वो तो अपने हिसाब से झेल गए हैं। पर अगेन वहाँ हिंदू मुस्लिम का एंगल मत डालो। सोनाक्षी ने जो किया है वो उस लड़के को सडनली नहीं शादी की है, उसके साथ सात साल आठ साल रहने के बाद में फिर हिंदू मुस्लिम नहीं रहता। हिंदू मुस्लिम, हाँ हिंदू मुस्लिम या कौन सा बोलते हैं आप लोग, जाहिद, क्या बोलते हैं आप लोग, जिहाद, ये एंगल तब होता है जब एक छोटी सी बच्ची होती है जिसको कोई आके फुसला लेता है, साल भर के अंदर शादी करा देता है, वहाँ गड़बड़ दिखती है। पर सर यहाँ दोनों एक्टर हैं तो क्या हिंदू मुस्लिम शादी नहीं करते? हमारे टाइम पर भी बहुत लोगों ने शादी की, सुखी हैं वो लोग।